हाय फ्रेंड्स, मैं नाम अमित वर्मा, लाइव टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं डेंगू IgG और IgM टेस्ट। तो इसके पहले हमने डेंगू NS1 भी किया था, तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो हाय फ्रेंड्स, अभी आज हम डेंगू IgG और IgM करके बताएंगे। जैसे कि इसमें किट में होता है, रैपिड मेथड में होता है, तो उसमें आपको सैंपल कितना लेना है और कितने टाइम आपको वेट करना है, और नेगेटिव किस तरह आता है और पॉजिटिव किस तरह आता है, और किट खराब हो तो किस तरह आता है, ये सब हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, चैनल पर आप नए हो तो पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाजू में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक कीजिए घंटी पे, उस पर ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो डालो तो सबसे पहले आपको दिखे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और आपको मुझसे बात करना है तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, तो आज बाजू में यहाँ पे इंस्टाग्राम ID मेरी आती होगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम करने वाले हैं डेंगू IgG और IgM करेंगे हम। इसके पहले हमने डेंगू NS1 किया था, तो जिसने नहीं देखा है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज हम करने वाले डेंगू IgG और IgM। तो इस तरह आपको पहले हम इसमें दिखा देंगे आपको, नहीं हो तो पहले आप इस बॉक्स में आपको हर एक बॉक्स में आपको इस तरह आपको मिल जाएगा चार्ट, ताकि आप नए हो तो फटाक से आप समझ जाओ, देख सकते हो आप। जैसे कि आप देख सकते हो ये इनविलेट किड, सब खराब किड इस तरह दिखेंगे, और ये देखिए आप IgG और IgM पॉजिटिव किट्स ऐसे दिखेंगे, आप देख सकते हो। और इस तरह आप ये भी देख सकते हो, हाल ही में IgG पॉजिटिव आया है और ये इसमें IgM पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो आपको इस तरह का नेगेटिव किट आता है, देख सकते हो आप, और ये देख सकते हो आप चार्ट, आप पढ़ सकते हो। 10 माइक्रोलीटर आपको सैंपल डालना है, और इसके अंदर देखिए आप, जैसे कि आप ये देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर ऐसा स्ट्रिप आता है, सैंपल लेके आपको डालना है 10 माइक्रोलीटर और 4 ड्रॉप डालना है आपको, ठीक है, और 15-20 मिनट आपको वेट करना है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे करते थे, ठीक है। जो नहीं है तो नए लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, हर एक बॉक्स में आपको मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस किट होती है डेंगू IgG IgM रैपिड टेस्ट। तो पहले हम इसे खोलेंगे, और इस तरह का इसके अंदर होता है ये, देखिए इसे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आप देख रहे हो, ये यहाँ पर मार्किंग किया, यहाँ पर यहाँ से आपको सैंपल लेना है, लेके आपको उसमें डाल देना है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हमारा सैंपल है, ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मार्किंग हम सैंपल ले लिया है। तो अभी हम आएंगे ट्यूब किट के पास, ठीक है,
ये रहा हमारा किट, इस तरह आपको डालना है सैंपल, ठीक है। ये देख सकते हो आप डेंगू का, डेंगू IgM का, IgG और IgM का बफर। तो ये आपको ये 4 ड्रॉप डालना है, इस जगह पे हमने सैंपल डाला है, अब इस जगह पे हमें बफर डालना है, ठीक है। तभी आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हमें इस तरह टेस्ट करना है, जैसे कि आप 10 μl सैंपल लेना, 4 ड्रॉप बफर डाल के आपको 15 to 20 मिनट्स आपको वेट करना है, ठीक है। तो अभी हम आपको किट के पास लेकर आते हैं। जैसे कि भी आप देख रहे हो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसमें जो हमने सैंपल डाला था और बफर डाला था, तो अभी आपको ये 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, उसके बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि भी आप ये देख सकते हो कि ये टेस्ट नेगेटिव आया है, जैसे कि सी पे आया है, मतलब कंट्रोल में तो नेगेटिव ना IgM पे आया है ना IgG पे आया है, तो ये टेस्ट नेगेटिव है पेशेंट का, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है ये टेस्ट। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, हाँ। और मुझसे बात करना तो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ आज वजह में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है।